हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्लासेस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज कांग्रेस ने अपनी सेकंड लिस्ट भी जारी कर दी है और उसमें टोटल 32 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में 152 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। इस प्रकार अभी तक कांग्रेस ने 184 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अभी कांग्रेस के 16 सीटें पे उम्मीदवारों के नामों की घोषणा बाकी है। जैसे ही उनकी घोषणा होगी मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी हम देख लेते हैं 32 जो उम्मीदवारों की सेकंड लिस्ट आज कांग्रेस ने जारी की है इसमें किन किन का नाम है। तो सबसे पहले इसमें करणपुर से गुरमीत सिंह कुन्नर, विराटनगर से इंदिराज गुर्जर, चौमू से भगवान साय सैनी, फुलेरा से विद्याधर चौधरी, दुद्दू से रितेश बेरवा, हवामहल से महेश जोशी, आदर्श नगर से रफीक खान, मालवीय नगर से श्रीमती अर्चना शर्मा, सांगानेर से पुष्पेंद्र भारद्वाज, चाकसू से वेद प्रकाश सोलंकी, बैरोड से आरसी यादव, थानागाजी से सुनील कुमार शर्मा, अलवर अर्बन से श्वेता सैनी, रामगढ़ से सापिया जुबेर खान, कठुमर से बाबूलाल बेरवा, कामा से श्रीमती जाहिदा खान, डी कुमेर से विश्वेंद्र सिंह, राजाखेड़ा से रोहित वोहरा, गंगापुर से राजेश अग्रवाल, लाडनू से मुकेश बाकर, डेगाना से विजयपाल मिर्दा, शेरगढ़ से मीना कंवर उमेश सिंह, सूरसागर से प्रोफेसर अयूब खान, बेगू से राजेंद्र सिंह बिदोड़ी, बड़ी सादरी से प्रकाश चौधरी, भीम से सुदर्शन सिंह रावत, मांडल से रामलाल जाट, केशवराय पाटन जो एससी के लिए रिजर्व है उसमें से सीएल प्रेमी, बूंदी से हरिमोहन शर्मा, लाडपुरा से श्रीमती गुलनाज वाइफ ऑफ नमुद्दीन गुड्डू, झालरापाटन से मानवेंद्र सिंह, मतलब वह सुंदरा राज्य के सामने मानवेंद्र सिंह चुनाव लड़ेंगे झालरापाटन से, तो झालरापाटन का चुनाव रोचक रहने वाला है। कानपुर से सुरेश गुज्जर। इस प्रकार कुल मिला के अभी तक कांग्रेस ने 184 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और अभी बीजेपी और कांग्रेस दोनों की एक एक लिस्ट और आनी बाकी है। तो जैसे ही वो लिस्ट आएगी मैं इस चैनल पे अपडेट कर दूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं एक दो दिन में से स्टडी के वीडियो इस पे अपलोड करना चालू कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों।